महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं। हम गाथा गाते हैं, हम पितृ देव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सब स्नान अपने पितरों को फिर देते श्रद्धा से पिंड दान। 16 दिन इस श्राद्ध पक्ष के है पितरों के नाम, मुक्ति उनको दिलाने का हम करते हैं ये काम। पितृ पक्ष में करते जो भी अन्न वस्त्र का दान, पितरों से सब खुशियों का मिल जाता है वरदान। पितरों के आशीष से कार बिगड़े बन जाए, कोई भी अनहोनी घर के दर से वो टल जाए। श्राद्ध के 16 दिन पूर्वज धरती पे आते हैं, पूर्वज धरती पे आते हैं। हम पितृ पक्ष की पावन भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। संग क्या है नाता ये समझाता हूँ। युद्ध में वीर गति पाकर ना कर्ण को मुक्ति मिली, सोना चांदी खाने मिले जो भूख तीन को लगी। दुखी कर्ण ने इंद्र देव से कहा ये जा करके, रत्न आभूषण कोई कैसे रहेगा खा करके। इंद्र देव बोले दान, कभी न ब्राह्मण को तुमने था किया अन्न का दान। बिन तर्पण के सारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। हम पितृ पक्ष के पावन भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब से था संभाला होश, पूर्वज की मुक्ति का उपाय ना किसी ने बतलाया। पिंड दान में उचित विधि से तभी नहीं कर पाया, अपनी भूल सुधारने को मुझे 16 दिन दे उधार। करके अन्न का दान मैं अपनी भूल का कर लूं सुधार। प्रसन्न हो पूर्वज सब खुशियों का देते वरदान, जो भी सच्चे मन से करते पितरों का सम्मान। इसी तरह पितरों की कृपा हम पा जाते हैं, भक्तों हम पा जाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं। हम
कथा सुनाते हैं। बताता हूँ बड़ा भाई जोगे था धनवान, छोटा भोगे गरीब, बड़ी बहू धन पे इतराती, छोटी को से नसीब। पितृ पक्ष में जोगे की पत्नी बोली पति से, मायके में भेजू मैं निमंत्रण आपकी सहमति से। जोगे ने उसे टाल दिया करके कोई बहाना, शुरू किया पत्नी ने उसे खरी खोटी सुनाना। पत्नी के घर वालों को न्योता दे आते हैं, वो न्योता दे आते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छिपा है ना उसने कभी जाना, जेठानी की करके मदद सब बना डाले पकवान। देवरानी तब जाने लगी कर खत्म वो अपने काम। जोगे की पत्नी ने कहा ना रुकने को एक बार, भूखी लौट गई देवरानी अपने घर के द्वार। इसके बाद क्या आगे हम बतलाते हैं, भक्तों हम बतलाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करके आऊं लेकिन देखा नहीं था घर में एक अन्न का दाना। रोने लगी वो सोच के अब मैं कैसे बनाऊं खाना। करती क्या भोगे की पत्नी वो थी एक दुखियारी, नाम के पितरों की उसने फिर दे दी थी अग्यारी। जोगे भोगे दोनों के पूर्वज धरा पे देखो देखा क्या उन्होंने आगे बताते हैं, बात ये तुम्हें सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने लगे थे
संग इनकी सेवा में जुटे थे। देख कैसा दृश्य पितरों का हुआ बड़ा अपमान, रूठ के सबने तभी वहां से जल्द किया प्रस्थान। भोगे के घर में जब पूर्वज भोजन करने आए, अज्ञारी की राख कबो भोजन के स्वरूप में पाए। छोटे भाई की दुर्दशा किसी से ना छुप पाई, बहुत तरस उसके हालत पर सभी को तब थी आई। नदी के तट पर आके सब पूर्वज बतियाते, सब पूर्वज बतियाते, सुन के इस कथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आते हैं ना पा करके भोजन वो रो करके रह जाते हैं। पूर्वज सोचे इसके संग कुछ ऐसा ही कर जाए, इसके जीवन से कष्टों के बादल छट तो जाए। धन नहीं भोगे के घर पर बहुत बड़ा है मन, ऐसे लोगों का रहना नहीं है उचित निर्धन। आशीर्वाद का जोगे उत्तम फल पाता है, उसके घर में वापिस खुशियों का पल आ जाता है। अन्न भंडार से घर खाली पूरे भर जाते हैं, हाँ पूरे भर जाते हैं। सुन इस पावन गाथा को दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शुभ कार्य में तेरे।